दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि घर में एक साथ कई छिपकली के दिखने का क्या संकेत होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों छिपकली हम सभी के घरों में सामान्य तौर पर देखी जा सकती है। हम लोग घरों में छिपकलियों को देखकर इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग इनको डर के मारे घर से बाहर भगा देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ जीवों का घर के अंदर दिखना शुभ संकेत होता है और कुछ जीवों का दिखना अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा ही माना जाता है कि घर के अंदर छिपकली का दिखना धन लाभ का संकेत होता है, परंतु कभी कभी ये छिपकलियां हमें हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत भी देते हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर छिपकलियों को देखना एक शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि दिवाली के दिन आपको घर में छिपकली दिखाई दे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत हो सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और आपको घर में छिपकली दिखाई दे तो इसे आपके पूर्वजों के आगमन का संकेत माना जाता है। दोस्तों यदि आपको अपने घर में मरी हुई छिपकली या फिर मिट्टी में दबी मरी छिपकली दिखाई दे तो ये आपके लिए अशुभ संकेत होता है। इसके अलावा यदि आपको आपके घर में दो से अधिक छिपकली आपस में लड़ती हुई दिखाई दे तो ये समझ लेना चाहिए कि घर के किसी व्यक्ति का बुरा हो सकता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि सपने में आप दो छिपकलियों को लड़ते हुए देखते हैं तो ये आपके घर के आपसी मतभेदों को दिखाता है। इतना ही नहीं, यदि सपने में आप छिपकलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यदि ये आपसे डरकर दूर भागती नजर आती है तो फिर ये आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। ऐसा सपना दिखाई देने पर ऐसा माना जाता है कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों यदि आपको अपने घर के मंदिर में या फिर मंदिर के आसपास छिपकली दिखाई दे तो ये आपके लिए शुभ हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि छिपकली का मंदिर के समीप या फिर मंदिर में दिखाई देना इस बात का संकेत देता है कि आपका घर हमेशा धन्य धान्य से भरा रहेगा और आपकी अन्न की स्रोत बढ़ेगी। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।